हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर लविंग चैनल टॉर्क एंड टूर। दोस्तों, अगर आप गाड़ियों से रिलेटेड वीडियोस और मस्त कंपैरिजंस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं ह्युंडई की अपकमिंग ह्युंडई क्रेटा 2020 की। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, इंजन, सेफ्टी के बारे में फुल डिटेल में। दोस्तों, ये गाड़ी अब पहले से बिल्कुल बदल चुकी है, ये अंदर बाहर से बिल्कुल नई गाड़ी बन चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर में आप इस गाड़ी को बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे कि ये ह्युंडई की क्रेटा है। सबसे पहले अगर हम इसके फ्रंट फेस को देखें तो इसका फ्रंट फेस पहले से बहुत ज़्यादा प्रीमियम हो चुका है। इसमें आपको मिलते हैं ट्रिपल बीम हेडलैम्प्स, क्रिसेंट ग्लो एलईडी डीआरएल्स और बिल्कुल वेन्यू से मिलता जुलता आगे का ग्रिल। अगर हम इसके साइड प्रोफाइल पे चलें तो यहाँ मिलते हैं 17 इंच के टू टोन एलॉय व्हील्स, लाइटनिंग आर्क सी पिलर जो इस गाड़ी को एक अलग लुक देता है। इसके अलावा आपको इसमें ऑटो अनफोल्ड ओआरवीएन मिलते हैं और वेलकम फंक्शन विद पडल लैंप्स आपको मिल रहा है। अगर हम इस गाड़ी के इंटीरियर में चलें तो ये चाइना में बिक रहे अपने सिबलिंग iX25 से काफ़ी अलग है। इसमें लार्ज पोर्ट्रेट टच स्क्रीन डिस्प्ले जिसके अंदर ही आपको वहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल के फंक्शन मिलते हैं, ये इंडियन क्रेटा में आपको नहीं मिलेगा। इसकी जगह आपको इसमें काफ़ी सिंपल 10.25 इंच का HD हॉरिजॉन्टल टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है, जिसके ठीक नीचे आपको कन्वेंशनल क्लाइमेट कंट्रोल के स्विचेस एट्सेट्रा मिलेंगे। इंडियन मॉडल में गियर नोब के ऊपर भी किसी तरह का कोई डिजिटल डिस्प्ले नहीं दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एक सेमी डिजिटल यूनिट दिया गया है जिसमें एक तरफ टैकोमीटर और दूसरी तरफ इसके फ्यूल गेज दी गई है और उसके सेंटर में 7 इंच डिजिटल डिस्प्ले स्पीडोमीटर दिया गया है जो इस गाड़ी की लुक को, इस गाड़ी के डिज़ाइन को काफ़ी लग्जूरियस बनाता है। किया सेल्टोज की ही तरह इसमें भी आपको एक ऑटो एयर प्यूरीफायर मिल रहा है और जो इस सेगमेंट में काफ़ी हट के एक फीचर है। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक का भी फीचर मिलता है जो ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ दिया गया है। इसके अलावा इसमें आपको वॉइस इनेबल्ड स्मार्ट पैनोरामिक सनरूफ, रिमोट इंजन स्टार्ट, ब्लू लिंक कनेक्टेड कार्स टेक्नोलॉजी, ब्लू एम्बियंट लाइटिंग्स, बॉस का प्रीमियम साउंड सिस्टम विद स्पीकर्स, पैडल शिफ्टर्स, ड्राइविंग मोड्स। इसमें आपको 3 तरह के ड्राइव मोड मिलते हैं जिसमें आपको कंफर्ट, स्पोर्ट्स और इको मोड, ये 3 मोड इसमें आपको मिलते हैं। ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर इसमें मिलता है, रियर विंडो सनशेड मिलता है, रियर सीट हेडरेस्ट विद कुशन इसमें दिए गए हैं, 2-स्टेप रियर सीट रिक्लाइनिंग इसमें मिलती है, फ्रंट एंड रियर यूएसबी चार्जर्स दिए गए हैं, एलईडी रीडिंग लैंप्स मिलता है और कूल्ड ग्लव बॉक्स जैसे बहुत ही आपकी कन्वीनियंस के फीचर इसमें आपको दिए गए हैं। अगर दोस्तों हम इसके इंजन की बात करें तो अंडर द हुड इसमें आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिल रहे हैं, जिसमें पहला है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि 115 पीएस की मैक्सिमम पावर और 144 नैनोमीटर की मैक्सिमम टॉर्क देता है। ये इंजन आपको 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और CVT की ऑप्शन में उपलब्ध है। ये इंजन आपको 16.8 KMPL की फ्यूल इकोनॉमी देते हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन 1.4 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन का है जो 140 पीएस की मैक्सिमम पावर और 242 नैनोमीटर की मैक्सिमम टॉर्क देता है और ये इंजन 7-स्पीड DCT में उपलब्ध है जो कि 1.5 लीटर की ही तरह 16.8 KMPL की फ्यूल एफिशिएंसी आपको दे रहे हैं। तीसरी इंजन की ऑप्शन इसमें 1.5 लीटर टर्बो चार्ज डीजल इंजन है जो कि 115 पीएस की ही मैक्सिमम पावर और 250 नैनोमीटर की मैक्सिमम टॉर्क दे रहा है। ये इंजन 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में उपलब्ध है। ये इंजन 21.4 KMPL की फ्यूल एफिशिएंसी देता है। दोस्तों, जो लोग नहीं जानते हैं उनको हम बता दें कि ह्युंडई अपनी इस अपकमिंग क्रेटा को 17 मार्च को इंडिया में लॉन्च करने जा रही है। लास्ट में दोस्तों, अगर हम इस गाड़ी की सेफ्टी की बात करें तो ह्युंडई क्रेटा पहले भी काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी देती थी और आगे भी ये इसको कंटिन्यू कर रही है। अब जो अपकमिंग ह्युंडई क्रेटा है ये आपको 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ मिल रही है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।